खबरदार में अब हम उस कंगले पाकिस्तान की फटी जेब का विश्लेषण करेंगे जो भले ही परमाणु संपन्न देश होने का दम भरता हो लेकिन उसमें इतना दम नहीं है कि वो एक डैम भी बना सके। अपनी आजादी से लेकर अब तक दुनिया की दया और भीख पर जीते आए पाकिस्तान की माली हालत अब इतनी ज्यादा दयनीय हो चुकी है कि उसके एक हाथ में परमाणु बम, दूसरे हाथ में कटोरा जिसे पाकिस्तानी आवाम के सामने फैलाकर डैम बनाने के लिए चंदा मांगा जा रहा है ताकि पीओके में सिंधु नदी पर प्रस्तावित डैम का निर्माण करने के लिए पैसा जुटाया जा सके। बात बात पर परमाणु बम की धौंस देने वाले पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो एक डैम बना सके। इसीलिए पाकिस्तान देश की जनता के आगे हाथ फैलाकर कह रहा है, डैम के नाम पर कुछ दे दे बाबा। रियासत पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं कि अब डैम्स बनाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साकिब निसार को पूरी कौम से अपील करना पड़ी कि आप फंड्स दें ताकि हम डैम्स बना सकें। इस हद तक हमारी मईशत का दिवालिया निकल चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि चीफ जस्टिस मुल्क की बीमार मईशत को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी तरह ये सिस्टम चल सके। कोई और मुल्क होता तो ऐसा सोचकर ही शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन पाकिस्तान की नदियों के साथ साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों की आंखों का पानी भी तेजी से सूखता जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एक डैम बनाने के लिए देश की आवाम के सामने हाथ फैलाने से पहले वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना पसंद करते। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि पहली बार देश की सेना के लिए बैंक अकाउंट खोला गया है ताकि जनता भी देश की सेना को मजबूत बनाने में भागीदार बन सके। आइए देखते हैं क्या वाकई कोई ऐसा बैंक अकाउंट खोला गया है। देश की आन बान और शान बढ़ाती है हमारी सेना। हर देश चाहता है कि उसकी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना हो। शायद इसी चाहत से जुड़ा है ये मैसेज जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपकी नजर भी इस मैसेज पर पड़ी होगी। वायरल हो रहे इस मैसेज में लिखा है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए बैंक खाता खोला, लोग इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। भारत की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने में जनता की सीधी भागीदारी होगी। अगर जनता एक रुपए रोज के हिसाब से भी सेना के खाते में सहायता राशि जमा करे तो भारत की सेना सबसे मजबूत बन सकती है। किसी कमी के कारण सेना के जवान परेशानी में नहीं आएंगे। इस खाते का नाम दिया गया आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी। मैसेज में बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया। भरत पुरबिया, रमेश केला, प्रशांत, आलोक सैनी और श्याम जौहर जैसे एबीपी न्यूज के कई दर्शक वायरल मैसेज का सच जानना चाहते हैं। वायरल हो रहे मैसेज में रक्षा मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी उपेंद्र जोशी नाम के अधिकारी का जिक्र है। जब हमने उपेंद्र जोशी को ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि वाकई में रक्षा मंत्रालय में इस नाम के अधिकारी हैं और ये अधिकारी और कोई नहीं बल्कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के ऑफिस में ओएसडी के पद पर तैनात हैं। पड़ताल में पता चला कि रक्षा मंत्रालय ने सिंडिकेट बैंक की नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक ब्रांच में खाता नंबर 90552010165915 खोला है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमें बताया कि ये फंड इसलिए शुरू किया गया क्योंकि बड़ी तादाद में देश के नागरिक शहीदों के लिए दान देना चाहते थे लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं होने से आम लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। इसलिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की पहल पर जून 2016 में इस फंड को शुरू किया गया। लेकिन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बात जरूर साफ कर दी कि ये एक वॉलंटरी फंड है, यानी कि देश का कोई भी आम नागरिक इस फंड के लिए अपनी स्वेच्छा से जितना चाहे दान दे सकता है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बात भी कही कि मैसेज में एक रुपए रोज दान करने की बात को मैसेज भेजने वाले ने अपनी तरफ से जोड़ा है, इसका रक्षा मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। यानी कितने पैसे जमा करने हैं ये जनता के ऊपर है। एक रुपए रोज जमा करने वाला दावा गलत है लेकिन बैंक अकाउंट है और रक्षा मंत्रालय ने ही खोला है, इसलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल मैसेज सच साबित हुआ है।